दोस्तों नमस्ते, वेलकम टू सुदर्शन 2511 यूट्यूब चैनल। जैसे आप लोग देख रहे हो कि मेरे हाथों में बांसुरी है और इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, मेरे सारे दोस्त जो है यूट्यूब में, उन लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैं बताऊँ कि मैं कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, उनको कैसे मिक्स करता हूँ। और बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सेटअप के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक मिनी M2, एप्पल से है और ये 8GB वाला वेरिएंट है, 256GB इंटरनल का। और सॉफ्टवेयर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ लॉजिक प्रो। दोस्तों रिकॉर्डिंग के लिए मैं जो बांसुरी का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ ये F बेस का फ्लूट है। और जो कैरियोके ट्रैक यूज़ कर रहा हूँ मैंने मेंशन कर दिया है आप लोगों को, आप लोग यूज़ कर सकते हो, ये फ्री टू यूज़ ट्रैक है। आप लोग क्रेडिट ज़रूर दीजिएगा, मैंने क्रेडिट नेम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए अभी रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। माइक के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ AKG C3000 है ये, और आउटपुट बॉक्स जेमिनाई है जो साउंड कार्ड Focusrite 2i2 मॉडल के साथ कनेक्टेड है। और ये रहा वो फाइल, इस फाइल को अभी क्या करते हैं, अभी ये यहाँ पे आप लोगों को लॉजिक प्रो का विंडो दिख रहा होगा, यही मैं हमेशा की तरह यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स करता हूँ। तो लॉजिक प्रो हम लोगों का ओपन हो गया है, स्कारलेट 2i2 इंटरफेस सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे MT प्रोजेक्ट्स में ज़रूर क्लिक कीजिए और ऑडियो में क्लिक करेंगे, जिससे हम अपने जो MP3 है यहाँ पे हम लोगों का, यहाँ हम उसको ड्रैग कर सकते हैं। ओके करते हैं और ये लोड हो जाएगा। मैं आपको साउंड सुनाता हूँ, देखिए ये प्ले हो रहा है और हमें आउटपुट भी मिल रहा है। तो इसी तरीके से इसको सुन के मैं टेक लेने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने नीचे फ्लूट टेक लेने के लिए और एक स्लाइड यहाँ पे फ्लूट टेक नेमिंग करके मैंने ऐड कर लिया है। और यहाँ पे मैं रिवर्ब यूज़ करने के लिए यहाँ ऑडियो इफेक्ट्स में जाता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ऑडियो यूनिट्स और वहाँ से एप्पल का AUX मेट्रिक्स रिवर्ब यूज़ करता हूँ, स्टेडियो चैनल वाला। और ये यूज़ करने के बाद में मेरा एक प्री डिफाइंड इक्वलाइजर है। ऑडियो यूनिट्स में आने के बाद में मैं एक प्री क्रिएटेड रिवर्ब का इस्तेमाल करता हूँ जो कि यहाँ पे इक्वलाइज्ड है। तो दोस्तों रिवर्ब सेट करने के बाद मैं करता हूँ एक साउंड चेक करता हूँ, हमेशा विदाउट द ट्रैक हम साउंड चेक करेंगे, उसके बाद में मैं इक्वलाइजर को सेट करता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसीज मुझे चाहिए उसको मैं रखता हूँ जो बांसुरी के लिए सफिशियंट है। दोस्तों अभी इक्वलाइजर की बारी है टेक लेने के बाद में। और बांसुरी की साउंड सुन के मैं यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी 200 तक की फ्रीक्वेंसीज है मैंने यहाँ पे कर्व दे दिया है साइड में, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप और एडिशनली यहाँ पे काट सकते हो साइड की फ्रीक्वेंसीज, यहाँ फ्रीक्वेंसीज काम में नहीं आएगी। ये लास्ट में एक छोटा सा कर्व दे दिया है अराउंड 10K to 20K के बीच में। तो चलिए अभी दोस्तों टेक लेते हैं, लाइट्स ऑफ। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं जो फ्लूट रिकॉर्डिंग है मैं ऐसे करता हूँ। और मेरा जो कैमरा का जो ऑडियो होगा उसको मैं कट कर दूंगा और इसे मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा और वहाँ पे भी मैं बजाता रहता हूँ। ऑफकोर्स एक्टिंग नहीं होता है, वो बैकग्राउंड में मैं बजाता रहता हूँ क्योंकि वो ऑथेंटिक दिखनी चाहिए कि मैं एक्चुअली में बजाया हूँ। इसको मैं पेस्ट करता हूँ क्योंकि जो बैकग्राउंड साउंड है जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत डिस्टर्ब करती है, तो इसी ऑडियो को मैं पेस्ट करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चंस हो तो मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सुदर्शन 2511 यूट्यूब चैनल को, ये शॉर्ट्स भी जल्दी आ रहा है आप लोगों के बीच में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।